सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह, खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आगुओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जे 4 जनवरी की बैठक हल ना निकले तो संघर्ष किया जाएगा होर तेज। दिल्ली च रोस धरने से डटे किसानों की अरविंद केजरीवाल ने की हिमायत, कहा दिल्ली दी सड़कों उत्ते बैठा किसान अन्नदाता है, अतवादी नहीं। साबका केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू बूटा सिंह का होया देहांत, 86 साल की उम्र च लाए आखिरी सांस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली दीआं सरहदां उत्ते जारी किसान अंदोलन दा अज 38वां दिन है। खेती कानूनों खिलाफ़ किसान कड़ाके दी ठंड च डटे हुए ने। इस दरम्यान संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आगुआं ने दिल्ली के प्रैस क्लब च प्रैस कॉन्फ्रेंस की। एक किसान आगू ने कहा कि हुण तक जो भी गलबात सरकार नाल हुई है वह किसी हल वल नहीं पुजी। किसान आगुआं ने कहा कि उन्होंने सरकार नूं साफ कहा कि तीनों खेती कानून रद्द होने चाहिए ने। किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि जेकर 4 तरीक की गलबात सफल नहीं होंगी तो असी 6 जनवरी अंदोलन तेज़ करांगे। उन्हें कहा कि 6 जनवरी ट्रैक्टर मार्च कढ़ाया जाएगा, 5 जनवरी सुप्रीम कोर्ट से किसान अंदोलन लैके सुनवाई है। 6 जनवरी तो लैके 20 जनवरी तक पूरे देश च भाजपा से खेती कानून वापस लैण का दबाव बनाने लई रैलियां कढ़ियां जाणगियां। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, तो उस दिन वख-वख सूबों के गवर्नर हाउस तक रोस मार्च उलीके जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उस किसान ट्रैक्टर से तिरंगा लगा के परेड करेंगे। इसनों ट्रैक्टर किसान परेड का नाम दिता गया। किसान आगू ने कहा कि असं 25 जनवरी ही किसानों इतने पुजन का सद्दा दें। अभी हमारा बातचीत का एक दौर हुआ, 4 तारीख को फिर बातचीत है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सो संयुक्त किसान मोर्चा ने यह डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो नाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहां से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडा फोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसान जो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, 23 जनवरी को, तो हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो हैं, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल हैं, आइकन हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। और इसके साथ ही हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। दिल्ली च रोस धरने उत्ते डटे किसानों वख-वख सूबों तो समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के हक च हा का नारा मारिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चेनी ठंड च किसान दिल्ली दी सड़कों पर सौंदे ने, वो अपन मंगा लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 70 सालों तो किसानों धोखा ही मिले, हुण किसानों को खेती बची है तो सरकार हुण खेती खो के वड्डे वड्डे कारपोरेट घराणे नूं देना चाहुंदी है। उन्हें कहा कि मैं किसानों का साथ दे रहा। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का एक भी मंत्री खेती कानूनों के फायदे नहीं गिणवा सकिया। केजरीवाल ने भी कहा कि किसानों को अतवादी और नक्सलवादी कहना गलत है। दिल्ली दी सड़कों उत्ते बैठा किसान अन्नदाता अतवादी नहीं। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत हंकारी हो गए हैं और उन्होंने बॉर्डर उत्ते शांतिपूर्ण ढंग नाल डटे किसान जो कि बहुत ही कड़ाके की ठंड में रोस प्रगटा कर रहे हैं दी पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। तख्त श्री दमदमा साहब विखे मानसा और बठिंडा जिले के 12 किसान जो चल रहे संघर्ष दौरान शहीद होए निमित रखे गए भोग समागम में संबोधन करदे सुखबीर सिंह ने कहा कि जो लोग हौमे नाल भर जाते हैं उन्हां दी सार फिर परमात्मा आप लैंदा है। उन्हें कहा कि वह लोगों की नज़रों में छेती खत्म हो जाते हैं। सरदार सुखबीर सिंह ने किसान संघर्ष की सफलता लई संगत नाल रल के अरदास की। खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों के हक में जिथे हर वर्ग किसानों नाल खड़ रहा उत्थे साबका पुलिस अधिकारी भी इन्हां दे हक में उतर आए हैं। अज अमृतसर च साबका पुलिस मुलाजमान ने रोस मार्च कढ़िया और SDM विकास हीरा नूं मंग पत्र दिता। इस मौके साबका पुलिस मुलाजमान ने कहा कि किसानों दी मंगां जायज़ ने और सारियां मंगां मनियां जाणी चाहीदियां ने। जिला गुरदासपुर के पिंड नत्त तों किसान जथेबंदी की अगवाई किसानों ने दिल्ली वल कूच किया। किसानों का कहना है कि यह एक इलाके का काफिला है और बाकी जिले के होरना इलाकों तो भी वड्डी गिणती च किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इन्हां किसानों का कहना है कि वह खेती कानून रद्द करवा के ही वापस परतणगे। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली च डटे किसानों लिए किसान अंदोलन दौरान जिथे लंगर की सेवावां दित्तियां जा रही ने उत्थे ही महिलावां की रिहायश लई भी मुकम्मल प्रबंध किया जा रहा है। दिल्ली कमेटी की सीनियर मीत प्रधान बीबी रणजीत कौर ने श्रोमणी कमेटी वालों किए उपरालों बारे जानकारी दी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब जिन्हों के प्रधान बीबी जगीर कौर जी ने उन्होंने पहले दिन तो ही इतने लंगर की सेवा और दवाइया की सेवा बिस्तरे कंबल जिहड़ी चीज़ की लोड़ सी उत्थे सेवा की जा रही है। नाल ही उन्होंने इतने सौन वास्ते रात वास्ते आराम घर भी बनाए ने जिमें कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आराम घर माई भागो आराम घर बीबिया वास्ते खास करके सैपरेट इंतजाम किया गया तो सारे ही सहूलत जिन्या दे सकते हैं आपां उन्हां देन की कोशिश कर रहे हैं तो जिदे नाल कि जेडे इन्नी दूरों की चल के संगत इतने आई हुई ने क्योंकि भैन भी बहुत गिनती आई हुई ने तो भरा भी बड़े सारे आए हुए हैं तो इस करके उन्होंने उन्होंने सहूलत देखते हुए इतने जो आराम कर बनाया तुम देख सकते हो कि बीबिया सारिया इतने आराम नाल अपना रेस्ट भी कर दिया ने सवेरे जो भी उन्होंने अपना करके फिर रात इतने आके सौंदे ने तो असं बीबी का धनवाद भी करते हैं कि उन्होंने खास करके इस चीज़ का ध्यान रखा कि भी कोई भी कड़कती हुई ठंड में कोई परेशान ना होए तो यह सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ। किसान अंदोलन दौरान दिल्ली के बॉर्डर उत्ते जाने वाले किसानों बाबत बयान देने वाले बीजेपी आगू तो साबका कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद के घर के मूहरे नौजवानों ने गुहा सुट दिता। इस मामले उत्ते गढ़शंकर तो आम आदमी पार्टी के विधायक से सीनियर आगू जयकिशन सिंह रोड़ी ने कहा कि किसानी अंदोलन बाबत गलत बोलन का खामियाजा बीजेपी वाले नूं भुगतना पै रहा है। मोदी साहब नूं बेनती है कि इन्हां तिना काले कानूनों नूं जल्द तो जल्द वापस करन और पंजाब के जिहड़े बीजेपी के लीडर साहबान ने उन्हां नूं मेरी प्रार्थना मेरी बेनती है कि वह इदां दे जिहड़े आ बयान ना देण जिहदे नाल किसानां दे हिरदे बलूंदरे जाण। सूद साहब ने कहा कि जिहड़े किसान ने वह दिल्ली दे विच पिकनिक मनाउण जांदे ने जिहदी कि किसानों वालों प्रतिकरण दिता गया। मैं समझदा कि बीजेपी के पंजाब के लीडर एक केंद्र के उत्ते प्रैशर बनाना चाहिए और केंद्र की सरकार को दसना चाहिए कि पंजाब दे विच इन्ने काले कानूनों का कितना ज़्यादा विरोध है और इहदा पंजाब दे लोकां नूं ना कि किसानों नहीं ये किसान अंदोलन नहीं ये हुण इंसान अंदोलन बन चुका क्योंकि ये भावें शहर में रहिंदा कोई बसिंदा भावें पिंड में है भावें हर वर्ग के नाल जिहड़े रहण वाले लोग ने ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
और पंजाब के अंदर आज हालात ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। पॉलिटिकल पार्टियों को बोलने नहीं दिया जा रहा और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट पर हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पर हमला होता है, लेकिन पंजाब की नादरशाही सरकार चुप बैठी। दिल्ली के विधायक और आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा का कोटी सेखा पहुंचने उत्ते आप आगुओं वालों भरमा स्वागत किया गया। इस मौके बोलदिया राघव चड्ढा ने कहा कि इस बार विधानसभा चोणों च आम आदमी पार्टी वालों मुख्यमंत्री का चेहरा पहला ऐलाना जाएगा। उन्होंने अगे कहा कि दिल्ली च किसान अपनी हकी मंगा लई पिछले लंबे समय तो डटे हुए हैं पर केंद्र की मोदी सरकार के कन्न उत्ते जूनी सरक रही। उन्हें कहा कि केजरीवाल सरकार किसानों के नाल खड़ी है। आज से कुछ दिन पहले नेशनल फार्मर्स डे पे, किसान दिवस पे, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि हम देश के किसान को एक और सेवा, एक और सहायता देना चाहते हैं और वो है अदालत से, कोर्ट कचहरी से इंसाफ दिलाने की सहायता। हमारे देश के किसान को हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेता कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं, कभी उन्हें दलाल कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, और बीजेपी के द्वारा इस पूरे संघर्ष को, इस फार्मर्स मूवमेंट को बदनाम करने के लिए, इसे डिफेम करने के लिए एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, कंस्पिरेसी चलाई जा रही है और बड़े ही सोचे समझे तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। साबका केंद्रीय मंत्री ते कांग्रेस पार्टी के सीनियर दलित आगू बूटा सिंह का लंबी बीमारी तो बाद शनिवार को देहांत हो गया। वह 86 सालों के सन। 21 मार्च 1934 को पंजाब के जलंधर जिले के पिंड मुस्तफापुर में जन्मे सरदार बूटा सिंह 8 बार लोग सभा चुने गए। सरदार बूटा सिंह जो नहरू और गांधी परिवार के बहुत नेड़े सन, अपने लंबे राजनीतिक सफर दौरान केंद्रीय गृह मंत्री, खेतीबाड़ी मंत्री, रेलवे मंत्री, खेड मंत्री रहे हैं। इस दे नाल ही उन्होंने बिहार के राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन के चेयरमैन वजो महत्वपूर्ण विभाग चलाए। उधर कांग्रेसी विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने साबका केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के देहांत उत्ते दुख का इजहार किया। उन्हें कहा कि बूटा सिंह का जाना कांग्रेस पार्टी लिए वड्डा घट है। सरदार बूटा सिंह जी गरीबों के बहुत बड़े रहनुमा थे और एक सफाई कर्मचारी के घर में पैदा होकर के पूरे देश के नेता बने, वो सारे समाज के लोगों के नेता बने में और पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षा प्रदान की उन्होंने होम मिनिस्टर बन करके, और मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ा घाटा है, समाज के लिए बहुत बड़ा घाटा है। मैं अपनी ओर से, तमाम समाज की ओर से सरदार बूटा सिंह जी के परिवार को मैं सहानुभूति प्रकट करता हूँ और सरदार बूटा सिंह का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा दुखांत है, बहुत बड़ा घाटा है और वो घाटा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविशील्ड नूं एमरजेंसी इस्तेमाल लई मंजूरी मिलने तो बाद दी खुशी जताई है। उन्हें कहा कि भारत शायद एकमात्र अजिहा देश है जिथे कोरोना दे चार टीके बन के तैयार हो चुके ने। इन्हां चार टीकों च कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर अते जाइडस कैडिला शामिल है। मौजूदा समय भारत च कोरोना दे 6 टीकों उत्ते क्लीनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक दी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन नूं एमरजेंसी इस्तेमाल लई मंजूरी मिल गई है। सबजैक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन नूं लैके हुई बैठक विच वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया। कोवैक्सीन देश की दूजी वैक्सीन है जिसनों इस्तेमाल लई मंजूरी मिली है। एक दिन पहला सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड नूं एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी एक्सपर्ट पैनल ने दी सी। कोवैक्सीन भारत की बायोटेक वालों भारतीय मैडिकल खोज कौंसल के सहयोग नाल विकसित की जा रहा देसी टीका है। दसणयोग है कि लोगों के टीकाकरण लई कई सूबों ड्राई रन चलाए जा रहे हैं। उधर देश भर च चल रहे कोरोना वैक्सीन के डमी अभ्यास यानी कि ड्राई रन विचाले केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश भर च कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी।
भारत सरकार ने कोरोना वायरस के नवे स्ट्रेन के मद्देनज़र ब्रिटेन तो भारत आने वाले यात्रियों लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया में सेहत मंत्रालय ने कहा कि 8 जनवरी तो 10 जनवरी दरमियान यूके तो आने वाले सारे यात्रियों का कोविड-19 टैसट किया जाएगा। टैसट का खर्च भी यात्री खुद करेंगे। इस तो इलावा यूके तो आने वाले हरेक यात्री को अपनी कोविड-19 नैगेटिव रिपोर्ट यात्रा तो 72 घंटे पहला किए टैसट की लियानी होगी। सेहत मंत्रालय ने कहा कि यूके तो भारत लिए रवाना होने वेले यात्रियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट नैगेटिव है यह यकीनी करने की जिम्मेवारी एयरलाइना की होगी। मंत्रालय ने हवाई अड्डे उत्ते TPCR टैसट या रिपोर्ट का इंतजार करने वाले लोगों लिए लोड़ींदे प्रबंध करने लिए कहा। जिन्हों का टैसट पॉजिटिव होगा उन्होंने संबंधित सूबा सेहत विभाग की मदद नाल वक्रे एकांतवास किया जाएगा। जिस विच नवे स्ट्रेन की पुष्टि होगी उसनू वक्रे एकांतवास में रखा जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज की 14वें दिन जांच की जाएगी और उसनू नैगेटिव टैसट रिपोर्ट न आने तक एकांतवास में रखा जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रधान और सबका कप्तान सौरव गांगुली को हल्के दिल के दौरे तो बाद हस्पताल भर्ती करवाया गया। 48 साल गांगुली की हालत स्थिर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल दी 3 धमनियां ब्लॉक हो गई एक स्टेंट पाया गया। कुछ दिन बाद सर्जरी होने बारे भी कहा जा रहा है। उत्थे ही पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी और गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने हाल जानने लिए वुडलैंड्स हस्पताल विखे पहुंचे। एक पासे खेती कानूनों लेके किसान धरने पर बैठे ने, दूजे पासे दिल्ली जम्मू कटड़ा एक्सप्रैस वे हाईवे किसानों की सहमति तो बिना उन्होंने बहु करोड़ प्रोजैक्ट जमीन हथियाने की प्रक्रिया शुरू होने का मामला सामने आया। इसनों लेके किसानों वालों रोस प्रदर्शन किया गया। उन्हें कहा कि उन्होंने अपनी जमीन का पूरा रेट सरकार वालों नहीं दिता जा रहा। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उन्होंने बिना दसे सरकारी रिकॉर्ड में जमीन अपने नाम करने की कार्रवाई शुरू की है। सिख भावनावां नूं ठेस पहुँचाउण दे एक मामले में रूपनगर दे नाल संबंधित वख-वख स्थानां तों एकत्र होई सिख संगत वल्लों तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे पहुँच के भाजपा के कौमी बुलारे इकबाल सिंह लालपुरा के खिलाफ एक लिखती शिकायत तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब गैनी रघवीर सिंह नूं दित्ती गई। इन्हां लोकां ने मंग की कि इकबाल सिंह लालपुरा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि बीते दिनी भाजपा के कौमी बुलारे इकबाल सिंह लालपुरा दीआं कुछ तस्वीरां वायरल होईआं सन जिन्हां बारे इतराज़ किया जा रहा है। कल सोशल मीडिया से कुछ फोटोआं सर इकबाल सिंह लालपुरा उन्हां दीआं वायरल हुई सन कि जिथे उन्होंने फोटो दे विच एक टेबल के उपर प्रकाश किया होया पाठ कर रहे हैं। पिछे स्टूल ला के बैठे हुए ने, पैरी जराबा पाईआं हुईआं ने। बारे कल भी साढ़े को डिप्टी शिकायत आई सी, अज भी काफ़ी गिणती संगत शिकायत लैके उन्होंने खिलाफ़ पहुँची हुई है और यह सारा मामला जहदा श्री अकाल तख्त साहब नोटिस से लिया गया और तख्त श्री केसगढ़ साहब की टीम हैड ग्रंथी ज्ञानी फूला सिंह और पांच प्यारे साहबान सवेर तो ही उस स्थान से गए हुए हैं जिथों दियाँ ये फोटो ने। उन्होंने आने तो बाद पता चलेगा कि उतों के हालात की ने, जो भी तहकीकात की जा रही है, जो भी बनती कार्रवाई है धार्मिक तौर पर जी कार्रवाई है कानून कार्रवाई वो भी सारी कार्रवाई उनके खिलाफ जो बनती है वो की जाएगी। सरबदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के MD डॉक्टर SP सिंह बुराई वालों तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब विखे ग्रंथी सिंह साहबाना से सेवादारों राशन दिता गया। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौरे मस्कीन ने यह राशन तकसीम किया। इस मौके जथेदार ने कहा कि ट्रस्ट वालों इतने टैसटिंग लैबोरेटरी भी तैयार की जा रही है। सरबदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट जो वर्ल्डवाइड संगतां दी सेवा गुरु मेहर सदका करता है, उसके चेयरमैन सरदार SP सिंह जी अब्बे राय दुबई वाले और सरदार जसवंत सिंह जी सापा पंजाब तो लुधियाने तो जो सेवादार हैं इस संस्था के, और सरदार इकबाल सिंह जी गिल IPS जो IG हैं पंजाब पुलिस के अते होर सहयोगियों द्वारा मिलके जिन्हें बहुत सत्कारयोग डॉक्टर चंदर भनोट जी जो सिग्मा नर्सिंग कॉलेज जिन्हों के चलते हैं उन्हों सारे वालों ये सरबदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट राही तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब जी के तमाम सेवादार ग्रंथी सिंह साहबान सब वास्ते करोना काल में राशन की सेवा समर्पित की जा रही है, जो बड़े प्रेम सहित नमस्कार करदे होया सारे सेवादार साहबान नू ए जिहड़ी राशन की सेवा है वो भेट कर रहे हैं। लैण वाला तो देण वाला कोई होर नहीं है, सारी खेड गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अपनी है।
और बड़े श्रद्धा सत्कार नाल इत तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब विखे मामे कृपाल चंद जी के नाम से एक टेस्टिंग लैब का भी डॉक्टर अब्बे राय जी ने काम शुरू करवा दिता है, जो आने वाले दिनों च उद्घाटन हो जाएगा। तो जरूरी जो मशीनरी है टेस्टिंग लैब की, एक्सरे आदि की, वो जापान तो ऑर्डर हो चुके हैं, तो कुछ दिनों में खेप इतने पहुँच जाएगी। जनहित समिति संस्था वालों लंबे समय तो पटियाला नहीं बल्कि अलग अलग शहरों के लोड़वंदा की मदद की जा रही है। इसे तहत संस्था के आगुआ ने झुग्गियां झोंपड़ियां रह रहे लोगों को जरूरत का सामान मुहैया करवाया। इस मौके पर संस्था के मुखी विनोद शर्मा ते एच एस साबड़ा ने दसिया कि संस्था लंबे समय तो समाज भलाई के काम कर रही है, तो अगे तो भी करती रहेगी। अमृतसर पुलिस को उस वेले वड्डी कामयाबी मिली जदों पुलिस टीम ने 12 बोर की गन नाल गोलियां चला के एक नौजवान को जख्मी करने वाले कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पिछले साल दसंबर के महीने सरकारी हस्पताल मानावाले के सामने हर्ष मैडिकल स्टोर उत्ते दो अणपछाते व्यक्तियों वालों जो कि स्विफ्ट कार में सवार होकर आए सन एक नौजवान को गोली मार के जख्मी कर दिया गया। तिना नौजवानों हुण पुलिस ने गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। रायकोट विखे टैलीफोन एक्सचेंज नजदीक स्थित गुरद्वारा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह विखे नवें साल के शुभ आगमन मौके गुरु चरणों का उटासरा लेंद्या गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह नगर निवासी संगतों के सहयोग नाल साल 2020 की आखिरी रात 31 दसंबर को नवा साल गुरु के नाल सिरलेख तहत 12वां महान कथा कीर्तन समागम धार्मिक श्रद्धा भावना नाल करवाया गया। इस मौके सिख पंथ के महान प्रचारक कथावाच कीर्तनी और कविशरी जत्थियां ने संगतों को गुरु इतिहास नाल जोड़िया। इस समागम में लोक सभा हलका फतेहगढ़ साहब तो MP डॉक्टर अमर सिंह समेत वड्डी गिणती में इलाके दीआं सिख संगतां ने हाजरी भरी। अज नवे साल के मौके पर बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा की मैनेजमेंट कमेटी ने अखंड पाठ रखवाया, कीर्तन करवाया और सारिया संगत रायकोट दिए आईया ने। मैं सारिया संगत नवे साल की बहुत मुबारक देना चाहना और गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी का भी बहुत धन्यवाद करना कि उन्होंने सानू सारिया ये मौका दिता कि असी गुरुद्वारा साहब आके गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करिए, लोगों के दर्शन करिए, उन्होंने शुभकामनावान दे सकी। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता और शुभकामनावान दिना। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों रायकोट की धरती उत्ते चरण पाउण की याद में श्रोमणी कमेटी वालों 19-20-21 पोह नूं गुरद्वारा टालियाणा साहिब पातशाही 10वीं रायकोट विखे मनाया जाता रायकोट का सालाना जोड़ मेला धार्मिक श्रद्धा भावना नाल शुरू हो गया। श्रोमणी कमेटी मैंबर जथेदार जगजीत सिंह तलवंडी की देखरेख हेठ मनाए जाते इस 3 रोज़ा जोड़ मेले के पहले दिन विशाल कथा कीर्तन दरबार सजाया गया, जिस विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर जी के हजूरी रागी जथियां वालों रस भिन्ने कीर्तन राही संगतों नूं निहाल किया गया। उत्थे ही सिंह साहिब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी अमृतसर वालियां ने कथा विचारां करदिआं छोटे साहिबजादिआं ते माता गुजरी जी की लसानी शहादत का वृतांत सुणाउंदिआं संगतां नूं भावुक कर दिता अते कड़ाके की ठंड विच संगत घंटिआं बद्धी मंत्रमुग्ध होकर कथा सरवण करदी रही। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम TV दे नाल, धन्नवाद।